हेलो दोस्तों, मैं जब आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जी एस एडवाइस पे। दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में रह के सेफ होंगे। और थंबनेल और टाइटल के रिगार्डिंग अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो गाड़ी है मैं 2 मार्च को लिया था, तो उसमें थोड़ी एक दो क्लिप ली थी, वो क्लिप आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2 तारीख को 3 बजे के करीब था, तो हम लोग वहाँ गए, शोरूम पे गए, और उस टाइम पे शोरूम पे जाने के बाद मैं उसका एक गाड़ी का नाम भी ऐसे अपने मन से कुछ तो भी एक नाम रखेंगे बोल के, मेरे को नाम कुछ समझ में नहीं आया तो इसलिए गाड़ी का नाम चंपा रख दिया था। तो ये शोरूम के बाहर से जो क्लिप ली गई है वो देखिए, उसके बाद आगे का क्या क्या हुआ वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपका भाई पहुँच गया है यहाँ पे KTM शोरूम के अंदर अपनी चंपा को लेने के लिए। अपनी चंपा यहाँ पे रेडी है, तो हम जा रहे हैं अंदर। अब कुछ पेपर वर्क रहता है, पेपर वर्क रहने के बाद हम अपनी चंपा को ले के जाएंगे। अभी थोड़ी क्लैरिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे हम आ गए शोरूम के अंदर और अपनी चंपा वहाँ साइड में लगी हुई, सॉरी ये वाली है। तो अभी पेपर वर्क जो भी है वो करने के बाद आपसे बात करेंगे, उसके बाद अपनी चंपा को अपने घर ले के जाएंगे। तो अभी आपने देखा अंदर आने के बाद जो है पेपर वर्क शुरू हुआ। पेपर वर्क करने के बाद अब बारी आई थी गाड़ी को ले घर लेके आने के लिए। तो कंपनी जो है यहाँ हैदराबाद में, अब हर शोरूम का ये होगा मसला कि वो जो कंपनी वाले पैसे देते फ्यूल अप करा के आपको जाने के लिए, क्योंकि जो गाड़ी रहती है पूरी एम्प्टी रहती है, उसका जो टैंक रहता है पूरा फेस करना पड़ा। प्रॉब्लम क्या फेस करना, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे कि यहाँ, जब से आप लोग को पता होगा कि जब से डॉक्टर प्रियंका का केस हुआ था, जब से हैदराबाद में जो है ना बॉटल में पेट्रोल नहीं मिलता है, ये यहाँ बैन हो गया है। तो भैया बोल रहे थे कि हमारी कंपनी की तरफ शोरूम की तरफ से 100 रुपये तो आपको देते हैं, आप क्या कर सकते। फिर उसके बाद भैया ये आइडिया दिए कि आपके दोस्त की बाइक है तो उसमें से थोड़ा आप फ्यूल निकाल लीजिए और अपने इसमें गाड़ी में डाल लीजिए ताकि आप पेट्रोल पंप तक जा सके। तो हम लोग वैसे किए, पेट्रोल अपनी दूसरी गाड़ी जिससे गए थे बाइक से, उससे पेट्रोल निकाल के उसके बाद इसमें डालने के बाद हम लोग उसको ले कर बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद छोटी सी क्लिप, मतलब कि जो पेट्रोल पंप की लास्ट क्लिप थी उसके बाद ना रास्ते की क्लिप लिया और ना कहीं के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं उस दिन हेलमेट तो ला लिया था बट हेलमेट लेके नहीं गया था। तो आप लोग देखे होंगे मेरे को पेट्रोल पंप पे विदाउट हेलमेट और गाड़ी निकालते वक्त विदाउट हेलमेट, तो आप लोग का सजेशन आएगा मेरे को पता है कमेंट में। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं हेलमेट ले लिया था बट हेलमेट लेके नहीं गया था। क्यों नहीं लेके गया था, क्योंकि एक्चुअल में गाड़ी उस दिन नहीं, अगले दिन वो जो बंदा है डीलर वो बोला अगले दिन मिलेगी, लेकिन हम लोग जाने के बाद बोले कि आज ही आपका पूरा काम हो गया तो आप ही लेके जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि गाड़ी कौन सी है, क्या है, नहीं है। आप देख लिया, फिर से एक बार बता दूँ कि कितने पैसे, मतलब कितने का है, क्या है, नहीं है, तो वो उस पर बात कर लेते हैं। तो ये जो गाड़ी डू 200 है, एक्चुअल में मेरे को डू 390 लेना था बट इसका जो शेप है दिखने में सेम 250 की तरह लगता है और लाइट 390 की तरह भी दिखता है, क्योंकि जो 390 का लाइट और मीटर कंसोल वो अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही दिखा और इंजन तो अलग है ही है। अब बात कर लेते प्राइसिंग की, तो ये गाड़ी
मेरे को ऐसे ऑन रोड यहाँ जो 2,07,000 की है, ऑन रोड प्राइस जो गाड़ी की है वो 2,07,000 की है, बट मैं इस गाड़ी को लिया हूँ फाइनेंस पे। और उसके बाद आप कभी भी गाड़ी फाइनेंस पे लेते हो तो पहले पूरा इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से पता कर लो, क्योंकि ये लोग जो है ना जो कंपनी फाइनेंस देती है वो आपको हिडन चार्जेस ये करती है। इसलिए मैं आपको ताकीद करूंगा कि आपको ऐसी वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी जो फाइनेंशियल चैनल है वो आपको बता देंगे कि ईएमआई वाले से कैसे बात करें, मतलब जो फाइनेंस देते हैं उन लोग से क्या क्या सवाल करना है, क्या क्या पूछना है, तो आप वहाँ से जाके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि वो जो मैं डाउन पेमेंट दिया हूँ वो पैसे कहाँ से आए। तो वो पैसे आए थे थोड़े स्पॉन्सरशिप से आए थे और थोड़े जो है यूट्यूब के चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उससे आए थे। तो वो पूरे पैसे मिला के और पैसे थे मेरे पास एक 10,000 के करीब पहले से थे, तो वो सब पूरा मिला के मैं वो गाड़ी लिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके की अगली नई वीडियो में। और इस लॉकडाउन में आपका दिन कैसा गुजर रहा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए।